हेलो स्टूडेंट्स, हाल ही में कम्युनिटी में हमने एक पोल किया था ये वन शॉट वीडियो के बारे में पंप के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी कि सर ये वन शॉट हमें आज का आज ही चाहिए। तो आप सब लोगों की डिमांड पे आज हम लेके आए हैं पंप चैप्टर का वन शॉट वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में हमें किस तरीके से डायग्राम बनाकर आने हैं और थियोरीज किस तरीके से लिख के आनी है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम Let us start this video. तो सबसे पहले पंप का बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं। पंप यानी क्या? तो पंप जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो लिक्विड को या फिर बोल लो पानी को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है। अब पंप के अंदर ऐसा तो क्या होता है कि वो लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है। तो पंप सिंपली प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो बढ़ा देता है। यानी कि पंप क्या करेगा, लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ाएगा, जिसके कारण जो लिक्विड है, जो पानी है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पे वही लिख के रखा है कि पंप क्या है, एक डिवाइस है जो किसके काम आता है, लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। कैसे लिक्विड को ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए पंप क्या करेगा, पंप जो है उसका प्रेशर बढ़ाएगा लिक्विड का। प्रेशर को हेड भी बोलते हैं। तो ये हो गया पंप का बेसिक डेफिनेशन। अब पंप के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, 3-4 मार्क्स में क्लासिफिकेशन भी कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है पंप का रोटोडायनेमिक पंप। अब रोटोडायनेमिक पंप यानी क्या, पंप यानी कि अभी-अभी हमने समझा कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो रोटोडायनेमिक पंप भी प्रेशर को इंक्रीज करेगा, लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज करेगा, लेकिन इसके लिए वो रोटेटिंग एक्शन का यूज करेगा। रोटेटिंग एक्शन का ये यूज करेगा और इसका टाइप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे रोटेटिंग एक्शन का यूज करके लिक्विड का प्रेशर बढ़ाएगा वो हम आगे देख लेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप। अब पंप यानी क्या, प्रेशर को इंक्रीज करेगा लिक्विड के। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप भी प्रेशर इंक्रीज करने वाला है लिक्विड का, लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जो पंप है वो फिक्स्ड अमाउंट के लिक्विड का ही प्रेशर इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। और या इसके दो टाइप होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या करेगा, फिक्स्ड अमाउंट के लिक्विड का ही प्रेशर इंक्रीज करेगा और प्रेशर इंक्रीज करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट के लिक्विड का ये जो पंप है वो यूज करेगा ये वाली एक्शन को। ये एक्शन को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग एक्शन, टू एंड फ्रो एक्शन को यूज करने वाला है। तो अगर फिक्स्ड अमाउंट के लिक्विड का प्रेशर हम रेसिप्रोकेटिंग एक्शन से इंक्रीज करते हैं तो उसे हम बोल देंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप, और अगर हम फिक्स्ड अमाउंट के लिक्विड का प्रेशर रोटेटिंग एक्शन से इंक्रीज करते हैं तो उसे हम बोल देंगे रोटरी पंप। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप में कुछ टाइप है, पिस्टन, प्लंजर, बकेट और डायफ्राम। इसमें से जो पहले तीन पंप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड, तो ये तीन पंप हम देख लेंगे। और रोटरी के भी कुछ टाइप्स है, गियर, वैन, लॉब, स्क्रू। तो यहाँ पे हम गियर पंप देख लेंगे। वैन, लॉब और स्क्रू पंप आप लिख सकते हो एयर कंप्रेसर जो हमने चैप्टर किया था वन शॉट, उसका ही सेम डायग्राम और सेम थियरी कॉपी कर सकते हो। लेकिन एयर कंप्रेसर में हम एयर को कंप्रेस करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करेंगे। बाकी का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा, खाली लिक्विड और एयर को आपको इंटरचेंज करना है। और एक और क्लासिफिकेशन है जो हमारे सिलेबस में है नहीं, अदर, जेट पंप और एयरलिफ्ट पंप, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। अब हम समझ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख लेंगे, और बाद में एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं यहां पे बोर्ड पे लिख लूंगा। तो सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, तो एक डिवाइस है। वो क्या करता है कि जो शाफ्ट को, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसके जो शाफ्ट को हम जो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी एक तरीके का रोटेशन, वो मैकेनिकल एनर्जी को ये पंप क्या करने वाला है, उससे वो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसी बढ़ेगी कि वो सबसे पहले तो लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ाएगा। वेलोसिटी बढ़ी तो 1/2 mv² के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड की वो बढ़ा देगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड की वो कौन बढ़ाएगा, तो वो बढ़ाएगा ये इंपेलर। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, इसे इंपेलर बोलते हैं। इंपेलर में बहुत सारी ऐसी ब्लेड्स होती है। तो जब हमने मैकेनिकल एनर्जी दी शाफ्ट को तो क्या होगा, तब ये इंपेलर रोटेट होगा। इंपेलर क्या करेगा, इंपेलर लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, और जो हमारा केसिंग है, ये बाहर का जो पोर्शन है ये केसिंग है, ये केसिंग पे हाई वेलोसिटी वाले फ्लूइड टकराने वाले हैं। टकराने के कारण जो हमारा लिक्विड है उसकी जो प्रेशर है उसका वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रेशर ऑन लिक्विड इज इंक्रीज किसकी हेल्प से, केसिंग की हेल्प से। अब कैसे वो समझ लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक मोटर लेंगे। मोटर में क्या होता है, एक शाफ्ट होता है। अगर हम स्विच ऑन करते हैं मोटर की, तो क्या होगा, मोटर का शाफ्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगा। वो मोटर के शाफ्ट को हम पंप के शाफ्ट, जो शाफ्ट है पंप का शाफ्ट, उसके साथ ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, बाद में स्विच ऑन करेंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी दे दी हमने, किसको, ये शाफ्ट को मैकेनिकल एनर्जी दे दी, जिसके कारण ये इंपेलर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब इंपेलर जब रोटेट होना शुरू होगा, तब क्या करेगा ये इंपेलर, कि केसिंग के अंदर जितनी भी एयर है, सारी एयर को वो यहां से बाहर फेंक देगा, डिलीवरी पाइप से बाहर फेंक देगा। ठीक है, यानी कि इंपेलर के रोटेशन के कारण इनिशियली केसिंग के अंदर से सारी हवा बाहर चली जाएगी, तो इंपेलर के अंदर क्या होगा, वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम यानी प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा सेंटर का पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं, ये सेंटर के पोर्शन को हम आई बोलते हैं। आई किससे कनेक्ट होता है, सक्शन पाइप से। सक्शन पाइप किसके अंदर होता है, पानी के अंदर। ठीक है, अब ये पानी पे तो कुछ प्रेशर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये केसिंग के अंदर प्रेशर कम हो चुका है, ये रोटेट हुआ, हवा बाहर निकल गई। ठीक है, यानी यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, और हमें पता है कि फ्लूइड हमेशा कहां से कहां मोशन करता है या ट्रैवल करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। कैसे, जैसे कि दो गुब्बारे ले लिए हमने, पानी भरे हुए, और बीच में एक पाइप रख दिया, कनेक्ट कर दिया, ऐसे दो गुब्बारे, बीच में पाइप। अगर मैं ये गुब्बारे का प्रेशर इंक्रीज करूं, यानी हाई प्रेशर करूं, तो लिक्विड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा। यहां पे भी लिक्विड है, यहां पे लो प्रेशर है, तो लिक्विड जो है वो कहां से कहां जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा। यानी कि अब ये जो हमारा सक्शन है, वहां से फ्लूइड अब केसिंग के अंदर जा चुका है। अब केसिंग के अंदर जब फ्लूइड जाएगा, तब क्या होगा, ये इंपेलर तो रोटेट हो रहा है, तो ये इंपेलर की जो ब्लेड्स है वो फ्लूइड पे, पानी पे ऐसे करके फोर्स लगाने वाली है। ये फोर्स जो है, ये फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी क्या, ऐसा फोर्स जो सेंटर से अवे लगता हो, सेंटर से बाहर की ओर लगता हो, ऐसा फोर्स क्या करेगा, ये इंपेलर फ्लूइड पे लगाएगा। यानी सारा फ्लूइड जो है वो ऐसे कुछ जाने वाला है, विद हाई स्पीड, विथ हाई काइनेटिक एनर्जी। अब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाला फ्लूइड ये केसिंग के साथ टकराएगा, केसिंग के साथ टकराएगा, तो क्या होगा, फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये डिलीवरी पाइप से हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल फ्लूइड या वाटर हमें जहां ट्रांसफर करना है वहां पे हम ट्रांसफर कर पाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो सक्शन पाइप है उसके नीचे की साइड का। सबसे नीचे की साइड पे सक्शन पाइप पे एक स्ट्रेनर कनेक्टेड होता है, स्ट्रेनर यानी जाली। ठीक है, ये जाली का क्या काम है, कि ये पानी के अंदर जो भी धूल, मिट्टी, पत्थर, ये सारी फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स को, मिट्टी, धूल को, ये क्या करेगा, ये अंदर जाने देगा नहीं पंप के। अगर हमने स्ट्रेनर का यूज नहीं किया तो क्या होगा, यहां से पत्थर और सब अंदर चले जाएंगे, हमारा पंप क्या होगा, बिगड़ जाएगा, चौकअप हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेनर का ये काम है। अब स्ट्रेनर के जस्ट ऊपर एक फुट वाल होता है। फुट वाल का क्या काम है, कि फुट वाल हमेशा पानी को ऊपर की डायरेक्शन में जाने देगा, वो पानी को नीचे की डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। अगर पानी नीचे की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा तो ये फुट वाल जो है ऐसे करके बंद हो जाएगा। अगर पानी ऊपर जाना चाहता है तो फुट वाल ऐसे खुल जाएगा, लेकिन नीचे की साइड वो जाने देगा नहीं। तो ये फुट वाल का काम है, जिसे हम नॉन रिटर्न वाल भी बोलते हैं। नॉन रिटर्न वाल या वन वे वाल, एक ही वे में जा सकता है, वापस रिटर्न हो सकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये जो हमारा इंपेलर है, इसके तीन टाइप होते हैं, ये इंपेलर के तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप यहां पे लिखा है, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड कर्व। क्यों बैकवर्ड कर्व, क्योंकि यहां पे कर्व कौन सी साइड है, पीछे की साइड है, बैकवर्ड कर्व है। ठीक है, दूसरा आता है फॉरवर्ड कर्व। फॉरवर्ड कर्व यानी यहां पे कर्व फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड कर्व हो गया। ठीक है, और लास्ट में होता है रेडियल कर्व, यानी ये ब्लेड्स कैसी होगी, रेडियस की डायरेक्शन में होगी, स्ट्रेट ब्लेड होगी। अब ये इंपेलर का यूज करके हम जो पंप की एफिशिएंसी है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि थोड़े पावर पे ही ज्यादा हम पानी का डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो हमारा केसिंग है, ये केसिंग बाहर वाला पोर्शन, इसके भी तीन टाइप आते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप होता है वर्टेक्स केसिंग, जो कि हमने यूज किया है। वर्टेक्स केसिंग यानी क्या, कि ये जो इंपेलर है और ये केसिंग है, इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, सेंटर पे लगा होगा इंपेलर, जिसे वर्टेक्स केसिंग बोलते हैं। वॉल्यूट केसिंग आता है नेक्स्ट टाइप। वॉल्यूट केसिंग यानी क्या, अब ये इंपेलर सेंटर पे नहीं लगा होगा, ऑफसेट पे लगा होगा, यानी यहां पे स्पेस कम होगी और ग्रेजुअली स्पेस बढ़ती जाएगी। और लास्ट में आता है गाइड ब्लेड केसिंग। गाइड ब्लेड केसिंग में क्या होता है, एक इंपेलर तो होता ही होता है, जिसकी ब्लेड्स रोटेट होती है, और इंपेलर के ऊपर भी एक कुछ ब्लेड्स आती है जो कि फिक्स होती है, जो कि वाटर को गाइड करती है। तो ऐसे केसिंग को हम गाइड ब्लेड केसिंग बोलते हैं।
अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है जो सेपरेटली भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज प्राइमिंग, ठीक है, प्राइमिंग ऑफ पंप। तो यहाँ पे एक कप हमने बनाया है जिसे हम बोलते हैं प्राइमिंग कप। अब ये प्राइमिंग कप का क्या यूज है या फिर प्राइमिंग यानी क्या, तो उसके दो पॉइंट्स हमें बताने होंगे। पहला पॉइंट क्या है, प्राइमिंग को हम यूज करते हैं एज अ कूलेंट, यानी पंप को ठंडा करने के लिए हम प्राइमिंग का यूज करते हैं। कैसे, हमें पता है कि पंप बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट होता है, तो बट ऑब्वियस हाई स्पीड से रोटेट होता होगा तो इसके अंदर कुछ हीट जनरेट होती होगी, तो ये हीट को हमें ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये प्राइमिंग कप से हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे इसके अंदर, जिसके कारण क्या होगा, हीट को पानी एब्सॉर्ब कर लेगा तो पंप ठंडा रहेगा। दूसरा क्या यूज है कि ये प्राइमिंग कप के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो ये जो हमारा केसिंग है उसके अंदर जो एयर बबल्स होंगे, एयर बबल्स निकल जाएंगे। क्यों, हमने पानी डाला तो एयर बबल्स निकल गए, जिसके कारण हम सफिशिएंट प्रेशर यहां से क्रिएट कर पाएंगे। अब ये सारी बातें कैसे लिखनी है वो देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें इंपॉर्टेंट लाइन लिख ली होगी, कौन सी, कि दिस डिवाइस वर्क्स ऑन सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन यानी फोर्स लगाएगा अवे ऑफ द सेंटर लिक्विड पे। फर्स्ट पार्ट है इंपेलर। इंपेलर क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट है यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड। इंपेलर के तीन टाइप लिखने हैं जो हम देख चुके हैं, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का और रेडियल। नेक्स्ट पार्ट है केसिंग। केसिंग क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन कवर पंप को। उसके तीन टाइप होते हैं, देख चुके हैं, वर्टेक्स, वॉल्यूट और गाइड ब्लेड्स। नेक्स्ट है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप क्या है कि उसका एक जो एंड है वो लिक्विड के अंदर होता है और दूसरा एंड जो है वो पंप के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप का यूज क्या है कि हम लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां भी हमें उसे भेजना हो तो इसकी हेल्प से हम लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुट वाल। फुट वाल क्या करेगा, फुट वाल जो है लिक्विड को सिर्फ और सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ही अलाउ करेगा, नीचे की डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा, जिसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं, वन वाल या फिर नॉन रिटर्न वाल। और आखिर में प्राइमिंग प्रोसेस क्या है, तो उसके दो चीज मैंने याद रखने को बोली थी कि एज अ कूलेंट वो यूज होता है और जो एयर बबल्स है उसे केसिंग में से रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पंप है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। बहुत बार इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डायग्राम है, पूछा जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंगल एक्टिंग यानी क्या, तो सिंगल एक्टिंग यानी जो हमारी सक्शन की प्रोसेस है, यहां से हम पानी को लेंगे और यहां जो हमारे डिस्चार्ज की प्रोसेस है, जहां पे पानी हम ट्रांसफर करेंगे, ये सक्शन और डिस्चार्ज की प्रोसेस एक साथ नहीं होती, साइमल्टेनियसली नहीं होती। पहले सक्शन होगा और थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज होगा, तो ऐसी जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सिंगल एक्टिंग पंप। ठीक है, अब डबल एक्टिंग पंप में क्या होगा, डबल एक्टिंग पंप में एक बाजू से सक्शन हो रहा है तो दूसरी बाजू में साथ ही साथ डिस्चार्ज भी हो रहा है, यानी सक्शन और डिस्चार्ज दोनों साथ में हो रहे हैं, उसे डबल एक्टिंग बोलेंगे। सिंगल एक्टिंग में क्या होगा, सक्शन प्रोसेस और डिस्चार्ज प्रोसेस या डिलीवरी की प्रोसेस अलग अलग टाइम में होगी, साथ में होने वाली नहीं। तो ये मतलब हो गया सिंगल एक्टिंग का। रेसिप्रोकेटिंग यानी क्या, जो हम लिक्विड का प्रेशर जो बढ़ा रहे हैं उसके लिए हम ये पिस्टन और सिलेंडर की हेल्प से रेसिप्रोकेटिंग एक्शन क्रिएट कराएंगे, यानी रेसिप्रोकेटिंग एक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इसे रेसिप्रोकेटिंग पंप बोल देंगे। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ दो ही स्ट्रोक होते हैं, वही हमने लिख के आने हैं। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, जिसे फॉरवर्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है डिलीवरी स्ट्रोक, जिसे बैकवर्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब ये दोनों स्ट्रोक समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो पिस्टन ले लिया, ठीक है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया। पिस्टन को किसमें रख दिया, सिलेंडर में रख दिया, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ये आईसी इंजन में आप पढ़ चुके हो पहले से ही, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं कि यहां पे क्रैंक जब 0 से 180 डिग्री घूमेगा, ऐसे करके ऐसे घूमेगा ये वाला क्रैंक, तो क्या होगा, पिस्टन पीछे की ओर जाने वाला है, ठीक है, पिस्टन पीछे की ओर जाने वाला है। यहाँ पे शायद से गलती हो गई है, बैकवर्ड स्ट्रोक लिख लेना, ठीक है, बैकवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्ट्रोक शायद से, ठीक है, चलो छोड़ो। क्या बोला हमने, पहले पिस्टन कहां से कहां जाएगा, 0 से 180 जाएगा, ये क्रैंक हमारा रोटेट होगा तो पिस्टन पीछे की ओर जाने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रैंक 0 से 80 रोटेट होगा, पिस्टन कहाँ जाएगा, राइट साइड में ऐसे कुछ जाने वाला है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। पिस्टन जब ऐसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा, तब क्या होगा, पिस्टन का जो सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, ऐसे जा रहा है ऐसे,
तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, यानी अब ये जो सिलेंडर है उसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया है, प्रेशर कम हो चुका है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो हमें पता है कि फ्लूइड जो है हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है। तो ऑटोमेटिक जब पिस्टन पीछे जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर आने वाला है, यानी कि यहाँ पे अब लिक्विड सिलेंडर के अंदर आ चुका है और पिस्टन यहाँ पे है और क्रैंक 180 पे है। ठीक है, क्रैंक 180 पे है और पिस्टन यहाँ पे है और यहाँ पे पानी भरा है। अब पानी ऊपर कैसे आएगा, तो सक्शन वाल्व की हेल्प से। सक्शन वाल्व क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व, वन वे वाल्व, जो लिक्विड को ऊपर की ओर जाने देगा लेकिन नीचे की ओर जाने देगा नहीं। ठीक, अब पिस्टन पीछे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे आ चुका है, फॉरवर्ड स्ट्रोक हो चुका है या बैकवर्ड स्ट्रोक हो चुका है, यहाँ पे आ गया है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब क्या होगा, पिस्टन 180 से, अरे सॉरी, क्रैंक 180 से वापस से 0 डिग्री जाएगा, वापस से 360 जाएगा। तो डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होगा, क्रैंक 180 से 360 गया, ऐसे करके ऐसा आया, तो पिस्टन अब ऐसे जाने वाला है। अब जब पिस्टन ऐसे जाएगा तो इसके अंदर जो पानी भरा है उस पर वो प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर इन सिलेंडर, सिलेंडर में ज्यादा प्रेशर आएगा, ज्यादा प्रेशर आएगा तो यहाँ पे तो लिक्विड जा नहीं पाएगा क्योंकि सक्शन वाल्व ऐसे बंद हो जाएगा, नीचे जाने नहीं देगा, लेकिन यहां पे डिलीवरी वाल्व ऐसे खुल जाएगा जिससे करके हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल जो है हमारा पानी वो टैंक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल कुछ ऐसे आप एक्सपांड करके लिख लेना। इसके एडवांटेज है, कौन सा एडवांटेज, कि एक्सट्रीम हाई प्रेशर हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, इसमें प्राइमिंग की कोई जरूरत होती नहीं, ये सेल्फ प्राइमिंग है। कैसे प्राइमिंग, यानी क्या, ओवरहीटिंग ना हो उसको, उसके लिए हम प्राइमिंग करते हैं। यहां पे क्या है, ऑलरेडी वाटर जा रहा है सिलेंडर के अंदर तो ओवरहीटिंग होने देगा नहीं, तो प्राइमिंग की जरूरत नहीं। और इसे चालू करने के लिए लेस स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, यानी चालू करने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, कम पावर से भी ये चल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। डबल एक्टिंग यानी क्या, जो हमारी सक्शन और डिलीवरी या फिर डिस्चार्ज की प्रोसेस है वो एक ही साथ होती है, साइमेंटेनियसली, यानी एक साथ सक्शन और डिस्चार्ज होता है। कैसे, जैसे कि यहां से सक्शन हुआ, पिस्टन सपोज पीछे जा रहा है तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहां से सक्शन हो गया, ऐसे जा रहा है तो यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहां से डिस्चार्ज हो गया। उसी तरीके से पिस्टन जब ऐसे जाएगा तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां से सक्शन हो जाएगा, पिस्टन ऐसे जा रहा है तो यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे ये वाल्व खुल जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कैसे वो देख लेते हैं, यानी डबल एक्टिंग का मतलब समझ में आ गया, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग यानी क्या, कि जो हम लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उसके लिए हम कौन सा चीज यूज करेंगे, पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग एक्शन। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। यहां पे भी सेम है, पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये डिलीवरी पाइप है, ये सक्शन पाइप है, यहां पे दो वाल्व है डिस्चार्ज के, कौन सा, पहला वाल है DA, दूसरा वाल है DB, यहां पे सक्शन के भी दो वाल है, पहला वाल है SA और दूसरा वाल है SB। ये चारों जो वाल है सक्शन और डिलीवरी पाइप पे रखे हुए वो नॉन रिटर्न वाल है। नॉन रिटर्न वाल यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड को अलाउ करेगा, दूसरी डायरेक्शन में अलाउ करेगा नहीं। अब याद रखने के लिए यहां पे मैंने ये दो पॉइंट लिखे हुए, कौन से, कि SA और DB जो वाल है, कौन सा, SA और DB, ये जो दोनों वाल है वो एक साथ ही खुलेंगे और एक साथ ही बंद होंगे। कैसे देख लेते हैं, कि यहां से जब पिस्टन पीछे जाएगा, तो क्या होगा, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो क्या हो जाएगा, यहां पे हाई प्रेशर है तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये वाल्व जो है पानी के धक्के के कारण ऐसे करके खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से जब ये पिस्टन ऐसे जाएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम जो सिलेंडर का है वो कम होगा यानी प्रेशर बढ़ेगा यानी हाई प्रेशर के कारण ये वाल्व खुल जाएगा, तो ये दोनों वाल्व एक साथ खुलेंगे और बंद होंगे। उसी तरीके से दूसरा क्या लिखा है, SB और DA, ये दोनों वाल्व भी एक साथ खुलेंगे और बंद होंगे। कैसे, कि ये पिस्टन जब आगे जाएगा तब क्या होगा, आगे जाएगा तो पीछे की साइड, पिस्टन के पीछे की साइड क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई, तो फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये वाल ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, ये वाल खुला हुआ है, पिस्टन आगे जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर हाई हो रहा है, तो हाई प्रेशर के कारण ये वाल खुल जाएगा, यानी ये दोनों वाल भी एक साथ ही ऑपरेट होने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट वर्किंग प्रिंसिपल आ गया है, कुछ अब बचा नहीं है। क्या है, इसमें भी दो स्ट्रोक आते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स स्ट्रोक। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन राइट साइड जाएगा, राइट साइड यानी हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली राइट साइड होगी। जब पिस्टन ऐसे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तब क्या होने वाला है, तब यहाँ पे प्रेशर कम, वाल्व खुला, ये पानी अंदर आ गया, यहाँ पे पानी प्रेजेंट है राइट साइड पे, क्या होगा, ऐसे जाएगा,
यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे पानी होगा, कैसे बाद में समझ में आएगा, पानी होगा, पानी होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो ये वाल्व खुल के डिस्चार्ज हो गया, यानी जब सक्शन हुआ तभी डिस्चार्ज हुआ। अच्छा, फॉरवर्ड स्ट्रोक खत्म हो गया, रिवर्स स्ट्रोक में क्या होने वाला है, रिवर्स स्ट्रोक में क्या होने वाला है, पिस्टन कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जब जाएगा तो पीछे की साइड वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो पानी अंदर आ जाएगा, ये वाल्व खुलेगा, यानी पीछे ऑलरेडी पानी भरा हुआ ही है। अब यहाँ पे पानी आ गया, यहाँ पे पानी था पहले, ऐसे गया, प्रेशर बढ़ा, ये वाल खुला, डिस्चार्ज हो गया, पिस्टन यहाँ पे आ गया, वापस से फॉरवर्ड स्ट्रोक में ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा है, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। शायद आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके कुछ एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है फॉरवर्ड और रिवर्स स्ट्रोक ये दोनों ही इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव यानी क्या, फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी सक्शन डिस्चार्ज चालू है, रिवर्स स्ट्रोक में भी सक्शन डिस्चार्ज चालू है। अपने सिंगल एक्टिंग में क्या था, सिंगल एक्टिंग में फॉरवर्ड स्ट्रोक में सक्शन होता था और बाद में रिवर्स स्ट्रोक जब होता था तब डिस्चार्ज होता था। यहां पे फॉरवर्ड स्ट्रोक में, यहां से फॉरवर्ड स्ट्रोक में सक्शन भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है। सिंगल एक्टिंग में सिर्फ सक्शन होता था या सिर्फ डिस्चार्ज होता था। नेक्स्ट है, इट गिव्स कंटिन्यूस वाटर सप्लाई विद नो फ्लक्चुएशन। ये कंटिन्यूसली वाटर को सप्लाई करेगा, कैसे, जैसे कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होने वाला है हमारा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में मैंने बोला पानी भरा हुआ है यहां से तो डिस्चार्ज हुआ, रिवर्स स्ट्रोक में ये वाल खुल जाएगा और डिस्चार्ज करेगा, यानी कंटीन्यूअस पानी मिलने वाला है हमें। सिंगल एक्टिंग में क्या था, सिंगल एक्टिंग में फॉरवर्ड स्ट्रोक में सक्शन होगा, कुछ पानी गया नहीं, रिवर्स स्ट्रोक में क्या होगा, पानी जाएगा, वापस से फॉरवर्ड स्ट्रोक में कुछ पानी गया नहीं, रिवर्स स्ट्रोक में पानी जाएगा, यानी यहां पे कंटीन्यूअस वाटर सप्लाई मिलेगा, फ्लक्चुएशन पानी का होगा नहीं, कंटीन्यूअसली फ्लो मिलता रहेगा। और आखिर में है, प्राइमिंग इज नॉट नेसेसरी, ये सेल्फ प्राइमिंग होते हैं। प्राइमिंग यानी क्या, ओवरहीटिंग से बचना। यहां पे पानी ऑलरेडी इसके अंदर जा रहा है तो ओवरहीटिंग हो नहीं पाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं गियर पंप के बारे में। अब गियर पंप के अंदर ऐसे दो गियर होते हैं, एक गियर को हम नाम G1 दे देते हैं, दूसरे गियर को नाम हम G2 दे देते हैं। ये जो गियर है इसे हम ड्राइवर गियर बोलेंगे। क्यों ड्राइवर गियर बोलेंगे, क्योंकि ये जो गियर का शाफ्ट है वो मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होगा, यानी मोटर को अगर हम पावर सप्लाई देते हैं तो मोटर का शाफ्ट घूमेगा तो ये ड्राइवर गियर भी घूमेगा। ड्राइवर गियर के साथ ये दूसरा गियर मैश्ड करके रखते हैं। मैश यानी क्या, एक दूसरे के साथ ये लोग फंसे हुए होते हैं। अगर ये गियर घूमेगा तो दूसरा गियर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाला है। ये दोनों गियर को हम एक केसिंग में रखने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सक्शन साइड, ये हो गया डिस्चार्ज साइड, या बोल लो इनलेट और आउटलेट। यहां पे पानी होगा, ये पानी को हमें दूसरी जगह पे डिस्चार्ज करना है, यानी ट्रांसफर करना है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो कुछ होगा नहीं वर्किंग प्रिंसिपल इतना कुछ खास, कि जब ये दोनों गियर रोटेट होंगे, ये गियर ऐसे रोटेट होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये गियर ऐसे रोटेट हो रहे हैं तो यहां से क्या होगा, जितनी भी एयर है ये केसिंग में ये निकलना शुरू हो जाएगी, यानी यहां पे नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा। नेगेटिव प्रेशर यानी प्रेशर कम हो जाएगा और फ्लूइड जो है हमारा लिक्विड कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पे लो प्रेशर है, लिक्विड ऐसे फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है, सक्शन हो चुका है। अब ये जो लिक्विड आया है वो लिक्विड, ये जो केसिंग है और ये जो टीथ के जो पॉकेट्स है उसके बीच में ट्रैप हो जाएंगे, उसके बीच में यहाँ पे फंस जाएंगे। अब ये तो घूम रहे हैं तो रोटेटिंग एक्शन के कारण यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा और हाई प्रेशराइज लिक्विड जो है वो हम डिस्चार्ज कर देंगे जहां पे हमें लिक्विड चाहिए वहां पे। अब वर्किंग प्रिंसिपल कैसे लिखना है वो देख लेते हैं, कि इट कंसिस्ट ऑफ टू गियर्स विच आर मैच्ड विथ ईच अदर, ठीक है। रोटेशन ऑफ दिस गियर प्रोवाइड्स पंपिंग एक्शन, ये जो रोटेशन हो रहा है उससे पंपिंग एक्शन प्रोवाइड होगा, ठीक है। और बाद में ये जो गियर है वो तीन तरीके के हो सकते हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर और हेरिक बॉन्ड गियर। यहाँ पे हमने स्पर गियर ही लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शाफ्ट ऑफ G1 यानी इसका जो शाफ्ट है किसके साथ कनेक्ट होता है, मोटर के शाफ्ट। व्हेन ड्राइविंग गियर G1 रोटेट्स, जब ये रोटेट करेगा, इट रोटेट्स अदर मैशिंग गियर G2, ये दूसरे गियर को भी रोटेट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस ऑन सक्शन साइड, इसकी वजह से रोटेशन के कारण सक्शन साइड पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, यानी यहाँ पे वैक्यूम बन जाएगा, लो प्रेशर होगा। एंड लिक्विड फ्लोज इन साइड द केसिंग, और केसिंग के अंदर प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड आ जाएगा। प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स ट्रैप्ड बिटवीन गियर एंड केसिंग, ये जो हमारा जो ट्रैप है, ट्रैप यानी पॉकेट है, ये केसिंग और गियर के बीच का, यहाँ पे क्या होगा, रोटेटिंग एक्शन के कारण प्रेशर बढ़ेगा, वही लिखा है। और एंड दिस हाई प्रेशराइज लिक्विड इज डिस्चार्ज, और इसे डिस्चार्ज किया जाएगा जहां पे भी हमें चाहिए वहां पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्लंजर पंप के बारे में।
अब प्लंजर पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कुछ कुछ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसा ही है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमने एक सिलेंडर लिया था, उसके अंदर पिस्टन डाला था। यहाँ पे भी एक सिलेंडर है और पिस्टन की जगह पे हम ऐसा कुछ प्लंजर लेने वाले हैं, बस यही डिफरेंस है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमने दो स्ट्रोक देखे थे, फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक। ऐसे ही प्लंजर पंप में भी दो स्ट्रोक आने वाले हैं, इनटेक स्ट्रोक और डिस्चार्ज स्ट्रोक। अब ये जो प्लंजर है इसे अगर हमें अप एंड डाउन कराना है तो उसके लिए हमने एक हैंडल लगाया हुआ है, हैंडल को एक लिंक से कनेक्ट किया है, यानी ये हैंडल ऐसे रोटेट हो पाएगा, यहाँ पे फिक्स होगा। हैंड को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो प्लंजर भी ऊपर नीचे होगा। सबसे पहले देख लेते हैं सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा। तो सक्शन स्ट्रोक में यहाँ पे लिखा है प्लंजर कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। जब प्लंजर ऊपर की साइड जाएगा तो ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कैसा होगा कम हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण ये जो हमारा सक्शन वाल है ये सक्शन वाल ऊपर उठ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो लिक्विड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर अब लिक्विड आ गया है और प्लंजर ऊपर है, यहाँ पे लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है ये यहाँ पे जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी वाल बंद होगा, ये डिलीवरी वाल यहाँ पे होगा। अब सक्शन स्ट्रोक खत्म हो गया है हमारा, दूसरा स्ट्रोक हमारा डिस्चार्ज स्ट्रोक है। डिस्चार्ज स्ट्रोक में हम हैंडल को नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, प्लंजर नीचे जाएगा, यानी कि वो प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये जो सक्शन वाल है वो नीचे चला जाएगा, पानी नीचे नहीं जा पाएगा, और प्रेशर हाई होने के कारण ये जो हमारा डिलीवरी वाल है ये खुल जाएगा। तो हाई प्रेशराइज जो हमारा लिक्विड है, पानी है, वो हमें जहां पे भी ट्रांसफर करना है वहां पे हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। अब ये जो पंप है इसका एडवांटेज क्या है, तो ये इसका डिजाइन जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, इसका मेंटेनेंस भी कम होता है। ये जो पंप है प्लंजर पंप, उसका एप्लीकेशन क्या है, क्या है, कहाँ पे यूज होता है, तो सॉफ्ट वॉश में यूज होता है। सॉफ्ट वॉश यानी क्या, नॉर्मल जो हमें रूटीन का जो काम होता है, जैसे कि गाड़ी को साफ करना है हमें, तो ये पंप का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेस्ट कंट्रोल में इसका यूज होता है, पेस्ट कंट्रोल यानी क्या, जो मच्छर मक्खी कॉकरोच वगैरह होते हैं उन्हें भगाने के लिए एक मशीन आता है जिसमें से धुआं निकलता है, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर हम पेड़ों पे जो दवाइयां छाटते हैं उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम्पल के लिए लिख के आनी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी पंप के बारे में देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं बकेट पंप। बकेट पंप का दूसरा नाम है हैंड पंप। अब ये जो पंप है उसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ कुछ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसा ही है। डबल एक्टिंग का मतलब क्या, हमने समझा था कि सक्शन और डिस्चार्ज या फिर सक्शन और डिलीवरी दोनों प्रोसेस एक साथ होती हो, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एक हैंडल बनाया हुआ है, हैंडल कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट किया है और पिस्टन से कनेक्ट किया है, और पिस्टन को एक सिलेंडर में हमने रखा है। ये हो गया हमारा इनलेट पोर्शन, ये हो गया हमारा आउटलेट पोर्शन। जब हम ये हैंडल को नीचे की साइड प्रेस करेंगे तब क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की और जाएगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तब क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का वो बढ़ेगा, यानी प्रेशर कम होगा, यानी कि नेगेटिव प्रेशर आएगा, यानी कि सिलेंडर के अंदर अब प्रेशर कम हो चुका है। जब प्रेशर कम होगा तब क्या होगा, यहाँ पे तो प्रेशर ज्यादा है, ये वाल उठ जाएगा प्रेशर डिफरेंस के कारण, यहाँ पे कम प्रेशर है और जो हमारा लिक्विड है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। तो जब पिस्टन ऊपर जाएगा यानी कि अपवर्ड स्ट्रोक जब होगा तब क्या होगा, ये जो नॉन रिटर्न वाल है वो खुल जाएगा, लिक्विड सिलेंडर में आ चुका है। जब ये हैंडल को हम ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तब ये क्या होगा, ये पिस्टन नीचे जाएगा तो जो भी लिक्विड होगा उस पर प्रेशर बढ़ाएगा और आउटलेट से हमें बाहर मिल जाएगा। अब दूसरी एक बात समझने जैसी है कि जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तब पानी यहाँ पे तो आने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे भी जाने वाला है, यानी सक्शन के साथ साथ डिस्चार्ज भी हो रहा है, यानी ये कुछ कुछ डबल एक्टिंग पंप जैसा है। अब कैसे एग्जाम में लिख के आना है वो बोर्ड पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब आपकी जो एग्जाम है उसे आप फोड़ के आना। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।